जी राम राम। टाइम हो रहा है 7:15 हो रहे हैं, लेट उठी आज तो सोए कोई नहीं सारी रात। पहले तो रात को उधर गए हुए थे, सुल्ताना नूरन आई हुई थी तो फंक्शन में न्यू ईयर का प्रोग्राम था, इवेंट था ना, तो वो बुला रखी थी उसके गाने सुनने के लिए। फिर जिस तरह सारी फैमिली हमारी जा रही थी, 4-5 फैमिली हैं जो इकट्ठी फिर एक जगह बैठ रहे। फिर 3 बजे यूँ उठ के हो गया काम पे तो चले वही बोल बतला लिए हंस लिए। एक तो 11 बजे वहां से आए, फिर आ गए ना वहाँ खाना खुना खाया, फिर बैठ गया हंसे बोले गए। 2 बज गए तो फिर चलने लगे तो चलने नहीं दिया का। अब रात को तो नहीं ना, नो दूर तो नहीं है हमारा, 5-7 मिनट ही लगे हैं, 10 मिनट मुश्किल से लगे आगे ना। तो कब नहीं, ये टाइम ही ऐसा होता है 2 से 4 के बीच का ना, ऐसा होता है ना 2-3 घंटा का, 2 बजे तक का बिल्कुल गलत टाइम है। तो अभी नहीं जाना, फिर बैठ गए। फिर 3 बजे अब घर में माँ है, माता की चाय बनाने लग रही हूँ, बल्कि मैं चाय चूहे देनी है, मैं तो चलूंगी। क्यों बेटा था बेटा फिर बना के दे नहीं सकता ना, चाय उसको बनाने नहीं आती, और तो सारे काम कर लेता है बेचारा। और फिर मैं और भी काम होएंगे घर के, जैसे अब दूध बिलोया है, यह काम तो मैं करके गई थी ना, जमा जमू कर दही वगैरह, तो अब दूध बिलोया है, मक्खन निकालने हैं, साग सब्जी बनानी है। ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस की छुट्टी नहीं है, क्यों इनकी छुट्टियाँ नहीं होती, छुट्टी वाले दिन भी। वैसे आज क्रिसमस की सबकी छुट्टी है, पर हस्बैंड की नहीं होती अभी है, इनका चला हुआ है थोड़ा विकास यात्रा का कुछ चल रहा है। 3 घंटे उस सिंगर ने, सूफी गायिका है पंजाब की, नूरम सिस्टर के नाम से, उसकी बहन एक और है, तो इन 2 बहनें हुई थी, पर वो अकेली आई हुई थी। एक शाहबाद खान आया हुआ था चंद्रकांता वाला, तो वो तो कुछ नहीं, वो तो वैसे प्राइज ही दे रहा था बाद में। वो बहुत अच्छे से गाने गाती है, 3 घंटे उन्हें लगातार नॉन स्टॉप इतने गाने गाए हैं, दमादम, मस्त, कलंदर, पटाखा, कुटीर, पुराने सॉन्ग भी साथ को, ऑडियंस को भी इन्वॉल्व करना, मजा आ रहा था। हाँ जी राम राम। सब्जी बना रहे हैं आलू गाजर मटर की, सूखी नहीं बनाती, थोड़ी ही ग्रेवी वाली ही बनाऊंगी, और कुछ आज बनाया नहीं है अभी, क्यों बेटे ने बनाना है, इतना सामान मंगवा रहा है, अभी अभी आया है बिग बास्केट के से, तो इसने कुछ केक बनाना है, घर में ही बनाएगा, यूँ कह हेल्दी वाला बनाऊंगा, तो ये सामान अब दे के गया है बिग बास्केट वाला, इधर भी रखा है, और ये इधर पता नहीं क्या कह रहा है, तो काफ़ी कुछ लेके आ रहा है, तो मैं बना लेगा भाई। वेलकम बैक। टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, उधर से आज सुबह सुबह लग गया है केक बनाने पे, तो क्रिसमस मनाओ था ना तो केक लग गया है, हेल्दी केक बनाऊंगा बगैर मीठे का ना फ्रूट का। अरे 2 मिनट रुक जाना बेटा, मन्ना जाना है मार्केट, क्यों छोटे वाले बेटे ना जाना शाम को, उसके लिए कपड़े लाने हैं, तो कल वो से मैंने दे देगा, कमीज वगैरह उसने सिलवाने हैं, तो मैं उसके वो लेकर जा रही हूँ लेने, क्यों छुट्टी 4-5 दिन की है, मैं सोचूँ आज ही आ जाए तो कल सिलने दे आओ, ताकि संडे तक 31 तक की छुट्टी है उसकी, एक को फिर क्लास स्टार्ट है बेचारे की, तो मैं 4-5 दिन में उसके सिल जाएंगे। तो अपनी ग्रीन टी लेकर बैठी हूँ जो गोल्डन वाली है वेट लॉस की, यही बनाती हूँ आजकल मैं, अदरक और हल्दी डाल के, काली मिर्च, थोड़ी ही दालचीनी डाल लिया करूँ ना। तो आज कई कमेंट है जो जवाब देने हैं, पर अभी नहीं दूंगी, काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्यों मैंने थोड़ी ही जल्दी है, कई काम निपटा के आने हैं, 1-2 के और हैं, मेरा ज़्यादा ज़रूरी है बेटे वाला ना, तो वो है सबसे ज़रूरी, वो करके आती हूँ एक बार जाके। इधर तो ये स्ट्रॉबेरी कर रहा है, उधर से वो क्रीम को लग रहा है करने, आवाज़ आने लग रही है, तो वीडियो नहीं दिखा होगा, थोड़ा हाँ दिखा दूँ, आऊँगी तो इतना है ना, आऊँगी इतना क्या पता बनाए पावे। क्रीम को लग रहा है करने पेटने इसको मिक्सर से, आने के बाद क्यों मेरे को टाइम लगेगा, क्या पता बनाए पावेगा। निमटाया ही सारे मार्केट के जो भी था, बेटे के भी खरीद लिया, और भी था ननद का भी काम था, और भी सूट भी कुछ था, तो जो उठा के लेना था खरीद के लेना था, तो सारा कर 2 घंटे में आई हूँ, तो मेरे किचन का हाल दिखा दूँ, कितने टोंगे कर रखे हैं केक बनाने वाला, हर बार तो आदमी आवा यूँ क्योंकि होया और यूँ बढ़िया पावा ना, एकदम किस तरह हुआ है तो मैं समझ सको ना, एकदम अंदर घर में घुसा है, तो अब बच्चे ये हालत करे पावे। अरे अभी तो मैंने सेल्फ का और कपड़ा मारना पड़ेगा, मैंने ये चीजें अच्छे ना क्या करें, ये भी एक बार सेल्फ की और करूँ सफाई, और 10-15 मिनट बैठ के आऊँ छत पर, रोटियां का टाइम तो हो रहा है, फिर मैं बैठ के आऊँ एक बार, क्यों हंस थोड़ा हा मेरे को डाउन हा लग रहा, थकान सी है, क्यों रात में सोए नहीं थे ना, सूफी उसमें घुसे रहे, खाना हो गया लंच हो गया, तो अब बस बर्तन धो लूँगी और अपनी ग्रीन टी रख आऊँगी थोड़ी देर में, पहले बात कर लेते हैं। कई दिन से कई कमेंट इकट्ठे हो रहे हैं, तो सभी का एक ही जवाब देती हूँ, कई कह रहे हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा, पहले भी कई बार कर लिया तो अब भी नहीं, सबसे पहली बात तो है आपको पहले एक बार जैसे स्टार्टिंग करते हैं तो मीठा छोड़ना पड़ेगा,
एक बहन अपनी बेटी के लिए कर रही थी, दो खुद ही कह रही थी, तो मैं उनकी आईडी नहीं लूंगी। तीन चार जनों के थे, कई दिन से कमेंट आ रहे थे, एक का और था। जब तो ये चार पांच कमेंट ऐसे हैं जिनका सेम ही जवाब है, एक ही है। क्यों इनका, वो कह रही हैं सभी का यूं ही एक ही वो है कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा एक बार। तो आप बाद में उन चीज़ों को रेगुलर कर सकते हो। उन स्वीकार भारद्वाज तो यूँ कहते हैं कि मीठा भी खा सकते हैं, जैसे कई लोग कहते भी हैं उनकी वीडियो में कि हमने मीठा खा कर ना घटाया, पर जैसे शुरुआत हम करते हैं ना तो उसमें नहीं घटता, बिना मीठा छोड़े नहीं घटता। इसलिए आपको पहले मीठा छोड़ना पड़ेगा, चाय छोड़नी पड़ेगी। चाय अगर लेते हो तो वो फीकी लेनी पड़ेगी और कम दूध वाली लेनी पड़ेगी। अच्छा अदरक डाल के, अब तो ठंड होगी स्टार्ट, तो उसमें अच्छा अदरक डाल। पहला है आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा, दूसरा है आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तीसरा आपको है कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में जैसे अपने खाने में वेरिएशन लाना पड़ेगा। अकेली गेहूँ नहीं, अगर आपका ज़्यादा है, आपकी बेटी का ज़्यादा वेट है, तो आपको उस खाने में वेरिएशन लानी पड़ेगी। तो दूसरा आटा चेंज करके दो, क्योंकि उसमें ग्लूटन होता है, तो उसके कारण कई बार वेट नहीं घटता। एक बार घटना स्टार्ट हो गया तो आप अब फिर अपने आप कर सकते हो, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और थोड़ा मोटा अनाज ज़्यादा कर लो, जैसे स्प्राउट्स कर लो, भुना हुआ चना कर लो, बॉइल्ड चना कर लो, बॉइल्ड छोले कर लो, इनको सैलेड में ज़्यादा ले लो। 7-8 घंटे की नींद मिनिमम होनी चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। नींद पूरी नहीं होती तो कई बार उसके कारण भी वेट लॉस नहीं होता, उससे भी गेन हो जाता है, गेन होना स्टार्ट हो जाता है उसके कारण भी। तो मिनिमम 7 घंटे की तो होनी ही होनी चाहिए, और बिल्कुल नो टेंशन, पॉजिटिव रहना चाहिए आदमी ने, टेंशन नहीं, अपना खुश रहना चाहिए। खुश रहने से भी कम हो जाएगा, क्यों लड़कियों में आजकल ये होता है ना, पीसीओडी की होती है शिकायतें, और उसके कारण भी थोड़ा हा होता है, वेट गेन होता है। तो शायद ये चीज़ें करने से आपकी बेटी का, और साथ में दूसरे सुने रहे हैं उनका भी हो जाएगा जो जिसका नहीं हो रहा। 4 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, पानी ज़रूर पीना चाहिए और फाइबर ज़रूर लेना चाहिए, सब्जियाँ और सैलेड। आपने शायद मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं बार बार बताती हूँ, फाइबर और सैलेड पानी, तो ये चीज़ें तो मेरी हर एक वीडियो में होता है और वही मैं आज बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मीठे को छोड़ना पड़ेगा। मीठा जो मैं उसने कविता पुनिया ने जिसने 13 किलो घटाया है, तो वो यूँ कह रही है मैंने मीठा छोड़ा है, मीठा ही मैं छोड़ती हूँ जो मैंने करना होता है। तो एक बार कम होने के बाद जैसे अब मेरा सही हो गया है, तो मैंने अपने वो लड्डू बना लिया, मीठा मैंने उसमें भी नहीं डाला है, उसमें मैंने खजूर डाले हुए हैं। तो इस तरह आप अपनी हेल्दी चीज़ें बनाकर भी खा सकते हो। हाँ, पर इसमें 32 बार में ये है, आप घर में कुछ भी वेरिएशन करके हेल्दी बना के 32 का भी 40 बार 45 बार चबा के ना कर सकते हो तो हो जाएगा। तो ऐसा तो मेरे को मुश्किल नहीं लगता, मेरे साथ तो कईयों ने कम किया है, और सबसे ज़्यादा कम किया है कविता पुनिया ने। औरों के किसी का 3 किलो, किसी का 4 किलो, फिर भी गया है, यूँ नहीं है, वो यूँ नहीं कहते कि मैं हमारा नहीं गया, तो ठीक गया है सभी का, और ऐसे ही मेरा गया है। मैंने 9 किलो करना था, मेरा 10 किलो ही बढ़ा हुआ था, तो मेरा हो गया, मेरा 1-1.5 किलो ही रह रहा है, तो वो भी मेरा हो जाएगा, वो तो मैं जैसे स्ट्रेचिंग करूँगी उनमें हो जाएगा। तो मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। तो थोड़ा हाँ खाने में वेरिएशन बता दिया मैंने, ये जो जो चीज़ें बताई हैं तो ये ज़रूर करो। लेते हो पानी में कुछ ना कुछ अपनी हर्बल टी, ग्रीन टी, हर्बल तो नहीं मैं कह सकते, जैसे पानी गर्म कराया बोतल में डाल लिया, उसमें थोड़ा हाथ अदरक पीस के डाल लेना और ग्रीन टी डाल लेना उसके अंदर, तो उन चीज़ों को पियो। सर्दी में वैसे बढ़ता भी है, कम घटता है सर्दी में, तो जो गर्म पानी हम करते हैं उनके अंदर ये चीज़ें डाल लोगे ना तो अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, मीठे की मैं बार बार कहूँगी, एक बार छोड़ना पड़ेगा, एक बार कम हो जाता है तो बाद में आप धीरे धीरे अपना कर सकते हो, अगर फिर भी लेते हो तो मॉर्निंग में ले लेते हो। मैंने जैसे अब खजूर वाले लड्डू बनाए हैं तो मैं अपना मॉर्निंग में ही लेती हूँ, मैं दोपहर बाद कभी मीठा नहीं खाती। चीज़ें समझ में आई होंगी ये बातें जो जो मैंने अब बताई है, तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बता नहीं सकती, मेरा तो इतना ही है। अपना पनीर खा लो, नहीं दालें इतनी होती हैं उनमें भी प्रोटीन इतना होता है, जो एग खाते हैं वो एग खा सकता है ना, टोफू खा लो, हम तो टोफू के ले आते हैं 2-3 पैकेट, तो उनको खा लेते हैं। जैसे मेरा तो बेटा भी पूरा अब हो रहा है, तो हम तो दोनों मम्मी बेटा ही इन्हीं चीज़ों को खाते हैं, और ये खाते हैं हम रात के टाइम ज़्यादातर, रात को हम खाना कम खाते हैं, तो ये चीज़ें हम रात को करते हैं। तो चलिए जी, उम्मीद है समझ में आ गई होंगी चीज़ें, देख लेना ट्राई करके। मैं कोई डाइटिशियन तो हूँ नहीं, पर मैं जो अपने ऊपर करती हूँ वही चीज़ें बताती हूँ मैं।
और इन्हीं से ही मैं अपना मेंटेन करती हूँ। तो ठीक है, बने रही हो जाए। लो जी सभी, अब आगे सॉन्ग सुनना सुल्ताना नूरम के। बड़े बढ़िया सॉन्ग गाती है, बहुत जोर लगा के। अल्लाह मेरी तोबा, अल्लाह मेरी तोबा, अल्लाह मेरी तोबा, तोबा, अल्लाह मेरी तोबा, मेरी तो पता नहीं पता क्यों। टाइम हो रहा है 4:15, तो धूप में बैठे थे ना, मटर छील के ले गया ही हूँ। पहले थोड़ी देर बैठ पाए थे, थोड़ा काम कर पाए थे, तो ये लग रहे थे अपना, धूप अच्छी लग रही थी। नीचे बल्कि थोड़ी ठंड लगा है और ऊपर सही रहा है मौसम, तो अपना निकाल ले। ये 1 किलो ली थी मटर, तो ये छील ली अपनी। तो अब चाय बनाते हो, चाय का टाइम हो रहा है। चाय अपनी रख दी आने के बाद ना, आते ही रख दी मैंने चाय में, मटर बाद में रखूंगी, क्यों 4:15 हो रहे थे ना, मन कर रहा था चाय पीने के लिए। तो ब्लॉग की भी यही एंडिंग करूंगी। कुछ क्लिप मैंने वो डाली हुई है सुल्ताना नूरम की, डाली हुई है उसके सॉन्ग की, जो लाइव चल रहा था शो, तो जो हम देखने गए थे तो उसकी डाली है। तो बड़े अच्छे सॉन्ग का गाती है, तो बिल्कुल ही इतनी एनर्जेटिक, इतनी एनर्जी उसके अंदर ना, बिल्कुल नॉन स्टॉप 3 घंटे बस आई बैठी, गाना स्टार्ट कराया और गाकना और चली गई 3 घंटे। इतना बिल्कुल न्यू रंग जमा दिया उसने, मज़ा आ गया देख के ना। पहली पहली बार इतने बड़े सिंगर की और सूफी सिंगर की इस तरह सामने से यूँ देखना, सामने बैठ के ना कितना अच्छा लग रहा था, कह नहीं सकते। हर एक आदमी इंसान इंजॉय कर रहा था, इतने अच्छे गाती है ना, अच्छी आवाज़ है, दमदार आवाज़ है, तो बड़ा अच्छा लगा। तो कुछ क्लिपें वह ऐड करी है मैंने। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राम राम।